हेलो एवरीवन, आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर राजीव गुप्ता की, जिन्होंने किया कार्निवल का टॉप वेरिएंट खरीदा लल्ली मोटर्स जलंधर, लेकिन उनकी कार में कुछ परेशानी आ गई जिससे वो काफी नाराज हैं, और किस तरह से आपको पहले मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने ये अपनी कार के अगल बगल पोस्टर्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 38 लाख में ना मिला 38 घंटे सुकून, किया सर्विस रेटिंग 0/10, किया तूने क्या किया, 38 लाख में कार्निवल परेशानी मोल ली, किया कस्टमर केयर टोटल फेलियर, इस तरह के वो पोस्टर्स लगा के अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दरअसल आखिर ये मामला है क्या। राजीव गुप्ता जो कि एक जलंधर के निवासी है, एक बिजनेसमैन है, उन्होंने किया कार्निवल का टॉप वेरिएंट 38 लाख में खरीदा, और उनका ऐसा कहना है कि जब वो शोरूम से ही घर जा रहे थे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी कार एक तरफ भाग रही है, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इसका हो सकता है अलाइनमेंट आउट है और इसीलिए ये कार टेढ़ी चल रही है। उन्होंने इसको सर्विस सेंटर में दिखाया, 2-3 बार सर्विस सेंटर ने इसको सही करने की कोशिश की, लेकिन ये सही नहीं हुआ। अल्टीमेटली उन्हें 15 बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़े। सर्विस सेंटर के सीनियर ऑफिशियल से भी उन्होंने बात की, लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं निकला, और वो अभी तक परेशान है, और उनका साफ मानना है कि वो 38 लाख लगा के पूरी तरह फंस गए, और इसीलिए उन्होंने अपनी बात रखने के लिए मीडिया का भी सहारा लिया। नाम राजीव गुप्ता है, मैं किया कार्निवल लिमोजिन 20 फरवरी नू लाली मोटर्स तो जलंधरों लई, और 20 फरवरी नू 8:30 बजे डिलीवरी तो बाद ही जिदा ही मैं शोरूम चो लैके गड्डी बाहर निकलिया, मैं देख लिया गड्डी लैफ्ट नू खिचदी पई और गड्डी दी अलाइनमेंट आउट है। मैनू बड़ी हैरानगी हुई भी गड्डी दी PDI प्री डिलीवरी इंस्पैक्शन किदा होगी जिहदी अलाइनमेंट गलत आ। अगले दिन 21 तरीक नू मैं मॉर्निंग उत्थे गड्डी लैके चला गया, यह सारा दिन उस गड्डी दी अलाइनमेंट करदे रहे, इनको अलाइनमेंट ना हुई। उस तो बाद 25 तरीक नू उत्थे गड्डी गई, यह 25 तरीक राति 10 बजे तक अलाइनमेंट करते रहे, इन्होंने 50 वारी अलाइनमेंट कर ली, टायर बदलते गड्डी दे 2, इन्हों को अलाइनमेंट ना हुई। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की गड्डी कल ले आओ, फिर मैं 28 तरीक नू आप गड्डी लैके गया, सारा दिन ये अलाइनमेंट करते रहे। ईवन इन्होंने आ भी सोचा भी अलाइनमेंट तो बाहरों भी चेक करा लेंगे, अलाइनमेंट उत्थे भी गए, मैं भी नाल गया, इन्होंने बंदे भी गए, उत्थों भी अलाइनमेंट राति 8 बजे तक चेक करते रहे, इन्हों को अलाइनमेंट ना हुई। मैं उत्थे गड्डी छड आया भी, तुसी मैं गड्डी छड आया, मैंने कोई होर गड्डी दे रहे हो, इन्होंने मैंने कोई गड्डी प्रोवाइड ना की। अगले दिन सारा दिन अलाइनमेंट करते रहे, मेरी गड्डी के उपर 100 वारी अलाइनमेंट कर चुके आ, गड्डी लैफ्ट नूं जांदी, गड्डी टायर खाई जांदी पई आ, लेकिन एक ही गल कही जांदे आ गड्डी असी रिपेयर करके देवांगे। मैं 38 लाख रुपया खर्च के नवीं गड्डी ली आ, मैं कोई रिपेयर्ड गड्डी नहीं ली, मैं कोई सैकेंड हैंड गड्डी नहीं ली। जे किया इंडिया च आके अपनी प्रीमियम सैगमेंट नूं स्टार्टिंग दे उपर यह हाल करेगी, किया दे उत्ते विश्वास कौन करेगा। तो सुना आपने कि किस तरह से वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका सीधे कहना है कि उनसे गलती हो गई, उन्हें पहले टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए था कार डिलीवरी लेने से पहले, या उन्हें किसी एस्टेब्लिश ब्रांड पे जाना चाहिए था जो काफ़ी लंबे समय से अपनी गाड़ियां इंडिया में एटलीस्ट बना रहा हो। जाहिर तौर पे बिल्कुल कष्ट होगा जो अपनी 38 लाख रुपए की मेहनत की कमाई लगाएगा और उनको इस तरह की परेशानी हो, तो ऐसे में इसका समाधान ज़रूर किया को जल्द से जल्द करना चाहिए। क्योंकि मैं जब ये वीडियो सर्च कर रहा था YouTube पे, उस वक्त मैंने देखा कि सर्च करते करते मुझे एक यूट्यूबर ASY अरुण सिंह यादव जो हैं, कार ड्राइव चैनल चलाते हैं, उनका भी एक वीडियो मिला कि एक बार उन्होंने किया से कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दी थी किया की, जिसके कारण उनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक दिया गया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो हम पूरे ईमानदारी से बनाते हैं और किया इन सब चीज़ों में ना ध्यान दे, बल्कि अगर वो अपने इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, और किया का जो सेल्टॉस पहला प्रोडक्ट था उसकी काफ़ी अच्छी सेल्स फिगर है, और साथ ही उनको बुकिंग जो है 1 लाख की क्रॉस कर गई है किया, ऐसे में जब आपको इंडिया में लोगों का इतना गुड रिस्पांस मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, तो मुझे लगता है किया को ये ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द जो इस तरह के एकाद मैटर भी सामने आ रहे हैं इनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ज़रूर बताएं कि इस इंसिडेंट को आप किस तरह से देखते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचे।